भागलपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है। शराब के नशे में धुत सिपाही जयबदन सिंह ने महिला सहकर्मी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला सिपाही ने जब शोर मचाना शुरू किया तब वहां दर्जनों सिपाही पहुंचे और इस घटना का विरोध करते हुए जयबदन सिंह को धक्का मारते हुए पुरुष बैरक तक ले गई। नौगछिया की न्यू पुलिस लाइन में बनी एक ही बिल्डिंग में नीचे पुरुष और ऊपर महिला सिपाही रहते हैं। देर रात सिपाही जयबदन सिंह ऊपरी बैरक में शराब के नशे में पहुंच गया। नशे में उसने महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी जयबदन सिंह रोहतास की दिनारा का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही तीनों थानों की पुलिस न्यू पुलिस लाइन पहुंच गई और आनन फानन में देर रात बिल्डिंग के सभी पुरुष सिपाहियों को हटाकर होम गार्ड के बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी सिपाही जयबदन सिंह को हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजा गया। जांच में पाया गया कि सिपाही जयबदन सिंह शराब पिए हुए थे। वहीं पुलिस महिला सिपाही को सारी बातों की जानकारी के लिए महिला थाने ले गई। इस घटना की सूचना नौगछिया थाना डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार पांडे, नौगछिया थाना प्रभारी भरत भूषण, मेजर और महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी को भी दे दी गई। बीती रात्रि सर पुलिस लाइन में कुछ मामला हुआ है, महिला सिपाही साथ क्या मामला था सर? जानकारी मिलते ही जैसे जानकारी मिला तत्क्षण डीएसपी मुख्यालय को और सार्जेंट मेजर कुमार भेजा, जांच करवाया। जांच में बातें सत्य पाई गई। महिला पुलिसकर्मी के आवेदन पर FIR दर्ज किया गया प्रॉपर सेक्शन में और उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया और उसे जेल भेजा गया। हम इसे स्पीडी ट्रायल भी चलावा गया ताकि अन्य पुलिसकर्मी सहकारी जो सरकारी कर्मी है वो सबक ले लें कि अपने सहकर्मी से कैसा बिहेव करना है।